अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। इसलिए बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी हैं उनको मैं शुरुआती समय से ही पढ़ना चाहूँगा। समय समय पर कई घोषणाएं की गई हैं, वो तो शामिल होंगी, वो हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और डिटेल में वो सब बिंदु इस बड़ी किताब में हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी DAP एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर वार, चौथा बिंदु, सभी BPL परिवारों को प्रतिवर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों के सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो CNG मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार IT सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य EWS SC एवं ST की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल व्हाट्सएप के जरिए FIR की व्यवस्था की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग रेजोल्यूशन एवं इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों की शिक्षा को KG से लेकर के PG तक मुफ्त किया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी। 10वां पॉइंट, समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं BPL परिवारों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचेगा। 11वां पॉइंट, समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडी दर पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य
राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। 12वां पॉइंट, डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। यह राज्य के भीतर एवं बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी। 13वां पॉइंट, कारीगरों एवं श्रमिक पेंशन 18,000 रुपये सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद की जाएगी। कानून व्यवस्था 14वां पॉइंट, हालांकि यहां तो एक ही लाइन में पढ़ रहा हूं, लेकिन जब दूसरे डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में चीज़ें हैं कि क्या क्या समाजवादी सरकार बनने पर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्वेलेंस की व्यवस्था 1 साल के भीतर सभी गांवों एवं कस्बों में की जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए इन्हें डायल 100 जो 112 से लिंक किया जाएगा। यूपी डायल 100 जो 112 है, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है, को दोबारा तकनीक से जोड़ करके सशक्त किया जाएगा ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके, और कोशिश होगी कि 15 मिनट से भी कम हो जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों में तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करेगी। शिक्षा 15वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। हर जिलों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। 16वां पॉइंट, लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा 17वां पॉइंट, कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूद बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज़्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। 18वां पॉइंट, MSME के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों व शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल और इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का वचन पत्र अखिलेश यादव खुद सुना रहे हैं। 10 रुपए में समाजवादी थाली की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं। सुनते हैं अखिलेश यादव को एक बार फिर। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि प्रयास यही होगा कि कर्ज मुक्त हो किसान, ऋण मुक्ति के लिए कानून लाया जाएगा। ये भी कहा कि 2 बोरी DAP, 5 बोरी यूरिया, बीमा पेंशन की व्यवस्था। सुनते हैं, नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20वां पॉइंट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीणों और आंतरिक सड़कों को RCC से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सभी गांवों एवं शहरों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा। शहरी आवास, शहरी विकास विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्तिसंगत बनाने के लिए एमनेस्टी स्कीम को लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का कल्याण 22वां पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी, क्योंकि ये 22 पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने पढ़ दिए। इसके अलावा
जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं मैं केवल कुछ पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट का 3 गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानी लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा। इसमें और भी बिंदु हैं लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा हूं। किसान बाजार नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पास प्रत्येक 10 किलोमीटर के भीतर एक बाजार हो। सभी जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके। सभी मंडलों में स्थानीय फसलों के लिए विशिष्ट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में निर्यात उन्मुक्त फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट विलेज क्लस्टर पूरे राज्य में स्थापित किए जाएंगे जो स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे। इरिगेशन फुटप्रिंट ट्यूबवेल और नहर नेटवर्क के जरिए पूरे राज्य में सिंचाई सुविधा को 100% विस्तार किया जाएगा। कामधेनु योजना जो पिछली सरकार में शुरू हुई थी इस सरकार में कामधेनु योजना को ठप कर दिया गया, बंद करा दी गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनने के बाद कामधेनु योजना पशुपालन के लिए दोबारा शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ पिछली बार ये तय किया गया था कि गाय के दूध के लिए अगर ज़्यादा भी पैसा देना पड़े, 3 रुपये या 4 रुपये भी ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो सरकार की तरफ से वो व्यवस्था की जाएगी। रूरल एग्रीकल्चर हब्स की उच्च स्तरीय तकनीक से लैस किया जाएगा। सभी प्रमुख एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिसर्च जांच और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एग्रो टेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसान आयोग कल्याण आयोग किसानों की आय में सुधार और सर्वेक्षण के लिए वार्षिक आधार पर अपनी सिफारिश देगा। यह आयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों के लिए लिविंग वेज स्कीम को विकसित करेगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम को क्रियान्वित कर भूमि विवाद संबंधी मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। महिला लाभार्थियों के मामलों में परिवारजनों रक्त संबंधियों के लिए कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाकर 2% किया जाएगा। स्मार्ट किसान सहायक योजना शुरू की जाएगी जिसके अंतर्गत 5,00,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि विस्तार सेवा प्रदाताओं प्रशिक्षित और नियोजित किया जाएगा ताकि राज्य में सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकास हो सके। युवा और रोजगार इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं। राज्य शिक्षा नीति के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। सैन्य स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालय में खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों के कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 5,00,000 युवाओं को कौशल विकास परियोजना प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। बहुत डिटेल में है चीजें इसमें। विकास का इंजन समाजवादी पार्टी सरकार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित